तो ये देखिए हमारा कद्दू का पकौड़ा फ्रेंड्स, अंदर से जूसी और ऊपर से क्रंची, बिल्कुल इसी प्रकार से आप भी अपने घर पे बनाएं। और एक बार इस रेसिपी को आप बना लेते हैं तो वाकई आपको बहुत ही मज़ा आने वाला, आपका मन बार बार करेगा इसी चीज़ को बनाने का। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कद्दू के पकौड़े, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कद्दू पकौड़ा बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने आधी कद्दू लिया है और ये वेट में लगभग हमारा 200 ग्राम के आसपास है। तो इसे छील के अच्छे से धो के हम इसे काटेंगे और इसको काटेंगे बिल्कुल गोल गोल शेप में। तो आप भी इसी शेप में आप काटें, इसको कुछ इस प्रकार के शेप में हमें काटना है ताकि इसका हम पकौड़ा अच्छे से बना सकें। इसे आप, इस पकौड़े को आप तवे पे भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, हमने तो यहाँ पे तल के बनाया है तेल में, तो जैसी आपकी इच्छा हो उस हिसाब से आप, लेकिन इस प्रकार से शेप में काटेंगे आप। तो उसके लिए हमने अदरक लहसुन का पेस्ट हमने तैयार किया है, आधा इंच के आसपास अदरक लिया है और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, आधी चम्मच अजवाइन और मंगरेला, और यहाँ पे बेसन हमने वही 70 ग्राम के आसपास लिया है, और मसाले में हमने आधी आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक आवश्यकता अनुसार डालेंगे। तो हम पहले बेसन को डालेंगे फ्रेंड्स एक बाउल में। बेसन हमारा फ्रेंड्स 70 ग्राम के आसपास है, 200 ग्राम के कद्दू के आसपास था हमारा वेट। तो अब हम इन सारे मसालों को डालेंगे, उसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डालेंगे और यहाँ पे अजवाइन और मंगरेला इसमें ऐड करेंगे हम। और यहाँ पे हमने आधी चम्मच गरम मसाला का प्रयोग किया है और इन सब को अच्छे से हम मिलाएंगे, थोड़ी थोड़ी पानी देके इसमें मिलाएंगे फ्रेंड्स, नहीं तो इसमें गांठे पड़ जाएगी। तो पानी जितना लगे उसी हिसाब से थोड़ी थोड़ी डाल के आप इसको मिलाते रहें। तो इसे ज़्यादा पतला नहीं करना फ्रेंड्स, तक ज़्यादा पतला करेंगे तो हमारा ये कद्दू का पकौड़ा नहीं बनेगा, इसमें कद्दू में नहीं चिपकेगा। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे, तेल हमने 100 ग्राम के आसपास डाला है। तो देखिए इस प्रकार का कुछ थिकनेस हमने रखा था ताकि ये कद्दू पे अच्छे से चिपक सके, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करेंगे, कुछ इस तरीके से हमें गाढ़ा करना है। तो ये देखिए हम फ्लेम को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, लो टू मीडियम पे इसे पकाएंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। और इस प्रकार से हम देंगे इसको लपेटते हुए बेसन में। तो ये देखिए हमारा 2 मिनट लगभग हो चुका है मीडियम टू लो फ्लेम पे, तो एक तरफ हमारा सिक चुका है आधा। तो अब हम इसे पलटेंगे, तो ये देखिए हमारा फ्रेंड्स एक तरफ सिक चुका है, तो हम दूसरी तरफ भी इसे पकाएंगे अच्छे से, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे फ्रेंड्स, ज़्यादा तेज फ्लेम में इसे पकाएंगे नहीं तो ये ऊपर से जल जाएगी और अंदर से पकेगा भी नहीं। तो ये देखिए हमारा फाइनली पक चुका है, अब हम इसे निकालेंगे। तो आप भी इस रेसिपी को फ्रेंड्स बनाएं अपने घर पे और इस प्रकार से आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला। इसे आप चावल के आटे में भी लपेट के बना सकते हैं, इसी तरह बेसन की जगह चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें क्रंचीनेस और आएगा ज़्यादा, उसमें और ज़्यादा क्रंची आपको फ्लेवर मिलेगा। तो ये देखिए हमारा तल चुका है अच्छे से,
तो हमारा फाइनली ये पक चुका है फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमने सारे कद्दू पकौड़े को निकाल लिया है, तो हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो ये देखिए सारे को हमने प्लेट पर निकाल लिया है। तो ये देखिए हमारा फाइनली कद्दू का पकौड़ा बनके तैयार है फ्रेंड्स। तो देखने में ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है ना फ्रेंड्स। अब हम इसका देखते हैं इसको तोड़ के कि किस प्रकार से ये बना है। ये अंदर से बहुत ही जूसी है फ्रेंड्स, क्योंकि कद्दू में पानी होता है। तो ये देखिए इसे हम तोड़ते हैं। तो ये देखिए है ना बिल्कुल जूसी और ऊपर से बहुत ही क्रंची। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर एक बार ट्राई करके देखें फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस रेसिपी को खा के। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।